स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत समेत पूरे वर्ल्ड की बायोडायवर्सिटी काफी तेजी से डिक्रीज हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 साल में नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ड्रास्टिकली रिड्यूस होकर 1/3 रह गए हैं। यहाँ तक कि कई फ्लोरा और फौना की स्पीसीज तो एक्सटिंक्शन की कगार पर खड़ी हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में इनके प्रोटेक्शन के लिए मुहिम चलाई जा रही है। वैसे इंडिया अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए शुरू से ही कंसर्न्ड है। यही वजह है कि एनिमल्स और प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व्स, सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही हमारे देश में नामीबिया से 8 अफ्रीकन चीताज लाए गए थे। दरअसल इंडिया में चीता हमारी इकोसिस्टम का हिस्सा है, यही वजह है कि इन्हें इंडिया लाया गया था। वहीं अब ये भी न्यूज़ है कि इंडिया में हिप्पोज आने वाले हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 60। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोलंबियन अथॉरिटीज़ ने इन फेरल हिप्पोज के रिहैबिलिटेशन के लिए गुजरात के जामनगर में मौजूद ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम GZRRC से संपर्क किया है। खास बात यह है कि कोलंबियन गवर्नमेंट खुद इन हिप्पोज को इंडिया लाने का पूरा खर्चा उठाएगी। इसके लिए वो खुद एयरलिफ्ट एंड आयरन कंटेनर्स अरेंज करेगी। वहीं 10 हिप्पोज को मेक्सिको के जूज और सेंचुरीज में भेजा जाएगा। कोलंबिया के एंटियोकिया प्रोविंस के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के एनिमल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर डायरेक्टर लीना मार्सेला दे लॉस रियोस मोरेल्स के अकॉर्डिंग इन हिप्पोज को इंडिया और मेक्सिको भेजने का प्लान एक साल से बनाया जा रहा है। इन हिप्पोज को 150 किलोमीटर दूर रियोनेग्रो सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ट्रक से भेजा जाएगा, जहां से आयरन कंटेनर्स में फूड के साथ इन्हें इंडिया और मेक्सिको भेज दिया जाएगा। दोस्तों, आज के हमारे स्पिरिट डिस्कशन में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कोलंबिया इन हिप्पोज को इंडिया और मेक्सिको जैसी कंट्रीज में भेजना चाहता है, वो भी अपने खर्चे पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्पिरो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये कि 1 अप्रैल से आपको मेरे सारे वीडियोस और शॉर्ट्स सिर्फ और सिर्फ भारत मैटर्स के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। भारत मैटर्स में हम भारत में शिक्षा के भविष्य को इनोवेटिव लर्निंग के थ्रू एक नई दिशा दे रहे हैं, जो दिशा एक भारत सेंट्रिक पर्सपेक्टिव की तरफ जाए। बिकॉज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, भारत मैटर्स। Launching on 1st of April. Link आपको इस वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी कंट्री की बायोडायवर्सिटी के लिए एनिमल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब कोई एनिमल बायोडायवर्सिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाए तो मुश्किल काफी बढ़ जाती है। कोलंबिया में भी हिप्पोज को लेकर यही सिचुएशन पैदा हो गई है। दरअसल कोलंबिया में हिप्पोज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे वहां की गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों परेशान हैं। इसलिए अब इन हिप्पोज की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिप्पोज शुरू से ही कोलंबिया के इकोसिस्टम का हिस्सा थे, बल्कि 1980s में यहाँ 4 हिप्पोज अफ्रीका से लाए गए थे। तब से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन हिप्पोज का वेट 1800 किलोग्राम से लेकर 3200 किलोग्राम तक होता है। कोलंबिया में ये हिप्पोज मैग्डालेना रिवर के किनारे बोगोटा से 200 किलोमीटर दूर हेसियंडा नेपोल्स रैंच तक फैले हुए हैं, जो कि यहाँ के लिए चिंता का विषय बने हैं। एनवायरमेंटल ऑफिशियल्स का अनुमान है कि करीब 130 हिप्पोज एंटीकिया प्रोविंस के टेरिटरी में मौजूद हैं, और अगले 8 साल में इनकी आबादी 400 से ज्यादा हो जाएगी। कैलिफोर्निया सैन डिएगो यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट जोनाथन शुरिन ने 2020 में नेशनल ज्योग्राफिक को बताया था कि विद इन अ कपल ऑफ डिकेड्स इस रीजन में हिप्पोज का नंबर कई हजार हो सकता है। दरअसल कोलंबिया में हिप्पोस का कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, और जिस वजह से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि बायोडायवर्सिटी के लिए पोटेंशियल प्रॉब्लम है। बताया जा रहा है कि इनका फीसिस रिवर के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, और ये मैनेटी और कैपीबारा जैसे क्रिएचर्स के नेचुरल हैबिटेट को इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर हिप्पोपोटामस को टॉक्सिक इनवेजिव स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया था। ये लोकल इकोसिस्टम और कभी कभी ह्यूमंस के लिए भी थ्रेट बन सकते हैं। यही वजह है कि कोलंबियन गवर्नमेंट इनकी फर्टिलिटी रेट को कम करना चाहती है। इसके लिए इन हिप्पोस का कास्ट्रेशन और कॉन्ट्रासेप्टिव शॉट्स के डार्ट्स का यूज करके इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें भी लिमिटेड कामयाबी मिली। लिहाजा अब कोलंबिया गवर्नमेंट इन हिप्पोस को दूसरी कंट्री में डिपोर्ट करने की कोशिश में है। इन हिप्पोस को उन कंट्रीज में भेजने की तैयारी है जहाँ की सेंचुरीज और जूज इनकी हाउसिंग, केयरिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल में केपेबल है। इसी प्रोसेस में 70 हिप्पोज इंडिया और मेक्सिको भेजे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीकन कंट्री नामीबिया के कैपिटल
विंडोएक से 8 चीतों का पुराना कुनबा इंडिया लाया गया था, जिनमें 3 मेल और 5 फीमेल थे। इन्हें मध्य प्रदेश के शिवपुर के कुनो नेशनल पार्क में रिलीज किया गया था। इन चीतों को स्पेशल चीता प्रोजेक्ट के तहत इंडिया लाया गया था। उनके लिए प्रॉपर मॉडिफाइड बोइंग 747 एयरक्राफ्ट तैयार किया गया था। नामीबिया में इंडियन हाई कमिश्नर इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए थे। इंडिया में भी इनके स्वागत का खास इंतजाम किया गया था और इनका ग्रैंड वेलकम हुआ था। चीता कंजर्वेशन फंड की फाउंडर डॉक्टर लॉरेन मार्कर भी खुद इन चीतों के साथ इंडिया आई थी। कुल मिलाकर इन चीतों को इंडिया लाने में इंडियन गवर्नमेंट को काफी एक्सपैंड करना पड़ा था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मुताबिक चीता प्रोजेक्ट के लिए 96 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए थे। वहीं इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इंडियन ऑयल ने एडिशनल 50 करोड़ देने का ऐलान किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलंबिया से 60 हिप्पोस को इंडिया लाने और इन्हें गुजरात के जामनगर में मौजूद ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम में रिलीज किए जाने तक का खर्च कोलंबियन गवर्नमेंट उठाने को तैयार है। दोस्तों, कोलंबिया में जिस तरह हिप्पोस की बढ़ती संख्या और उससे वहां के इकोसिस्टम के लिए समस्या पैदा होना अपने आप में एक अनोखा मामला है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है इन हिप्पोस के कोलंबिया आने की कहानी। जैसा कि हमने आपको बताया, कोलंबिया हिप्पोस का नेचुरल होम नहीं है। हजारों टन वाले इस जीव को यहाँ लाने का मुख्य श्रेय पाब्लो एस्कोबार को जाता है। लेकिन पाब्लो एस्कोबार कोई इन्वायरमेंटलिस्ट या नेचर प्रोटेक्टर नहीं है। दरअसल पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का ग्लोबली इनफेमस ड्रग ट्रैफिकर था, जिसका नाम अपनी इलीगल ड्रग एक्टिविटीज के चलते 80s और अर्ली 90s के दशक में इंटरपोल की लिस्ट में टॉप पर था। कोलंबिया के इस नार्को टेररिस्ट ने मेडलिन कार्टल नाम के गैंग को फॉर्म किया था, जो पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में कोकेन का बिजनेस करते थे। कोलंबिया से लेकर पेरू, इक्वाडोर और बोलिविया जैसे देशों में पाब्लो ने कोकेन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और सेल का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर लिया, जिसके सहारे वो लार्ज स्केल पर अमेरिका में ड्रग्स पंप किया करता था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाब्लो एस्कोबार दुनिया के इतिहास का सबसे वेल्दीएस्ट ड्रग लॉर्ड था। उसकी कुल कमाई $30 बिलियन की थी। उस दौरान कोलंबिया पाब्लो का 7000 एकड़ में फैला एक प्राइवेट ईस्टेट था, जहां उसका खुद का फुटबॉल स्टेडियम, डायनासोर पार्क, आर्टिफिशियल लेक्स और वाइल्ड लाइफ पार्क बना था। 1980s में पाब्लो ने अपने इसी वाइल्ड लाइफ पार्क के लिए 4 हिप्पोस अफ्रीका से स्मगल करके मंगाए थे। इनमें से 1 मेल और 3 फीमेल थी। कोलंबिया पुलिस ने 1993 में पाब्लो एस्कोबार को एक एनकाउंटर में मार गिराया और उसकी डेथ के बाद उसका फार्म डिजर्टेड हो गया। इसके बाद वहां लोकल रिवर्स में फेवरेबल कंडीशंस की वजह से हिप्पोपोटामस की ब्रीडिंग रैपिडली इंक्रीज हुई। एस्कोबार की डेथ के बाद उसका हैसियंडा नेपोल्स रैंच और हिप्पोस का एरिया एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर इमर्ज हुआ। कोलंबिया में बड़ी इन हिप्पोस की संख्या उन्हीं 4 हिप्पोस की वजह से है जिन्हें पाब्लो एस्कोबार लेकर आया था, इसलिए कोलंबिया में अब इन हिप्पोस को कोकेन हिप्पोस भी कहा जाता है। बहरहाल अब इन हिप्पोस को इंडिया लाया जा रहा है। वैसे इंडिया में हिप्पोस अब जू में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन अब इन हिप्पोस को गुजरात के जामनगर में मौजूद ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम में रिलीज किया जाएगा, जिसके बाद इस विशालकाय जीव को नेचुरल साइट्स पर खुलेआम स्पॉट किया जाएगा। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से अभी इन हिप्पोस के रिकॉर्डिंग कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये हिप्पोस कब तक इंडिया में इंपोर्ट होंगे। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि शुरुआत से चीताज इंडिया के इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं। लास्ट 7 decades में इनकी प्रजाति खत्म हो गई थी, ऐसे में उन्हें एक बार फिर से यहाँ रिहैबिलिटेट किया गया है। लेकिन हिप्पोस इंडिया के इकोसिस्टम का पार्ट नहीं रहे हैं, ऐसे में इनको यहाँ लाने के बाद हमारे इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि नियरली 9,000 to 509 million ईयर्स अगो इंडिया हिप्पोपोटामस का होम हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अफ्रीका से यूरेशिया में एंटर कर गए और इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में एक स्टडी करते हुए रिसर्चर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने हिप्पोस के लास्ट नोन स्पेसिमन को डिस्कवर किया था। एक बार फिर इंडिया हिप्पोपोटामस का होम बनने जा रहा है। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या ओपिनियन है? क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं इंडिया की इकोलॉजी से रिलेटेड जो यहाँ पैदा हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे वीडियो के पहले भाग में मैंने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना नॉट ओनली इम्पैक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट बट ऑल्सो ह्यूमंस, जस्टिफाई योर आंसर विद द कोकेन हिप्पो सिचुएशन क्रिएटेड इन कोलंबिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।